नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के ताज़ा अपडेट। दोस्तों IIT कानपुर ने नई एडवर्टाइजमेंट निकाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूरी डिटेल मिल सके। भी कौन सी क्या पोस्ट का नाम है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट रहेगी, क्या आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी, ठीक है, जिसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की तरफ से, ठीक है, रिक्रूटमेंट सेक्शन। ये आप देख सकते हो एडवर्टाइज नंबर दे रखी है 1/2020, ठीक है जी। ये एडवर्टाइजमेंट दी हुई है 1/2020, और इसमें हम देख सकते हैं भी IIT कानपुर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर इन रिसर्च। और ये आप देख सकते पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। इंजी आपका इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा रेगुलर बेसिस विद 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, आपकी 1 साल के लिए इसमें रहेगी और ये को आप एक्सटेंड भी किया जाएगा, ठीक है जी। आप देख सकते हो इसमें बीच में भी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। तो अब बात कर लेते हैं इसमें कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है और आपको पर मंथ कितनी सैलरी दी जाएगी। फर्स्ट पोस्ट का नाम दिया हुआ है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो इसमें आपकी OBC, इसमें आपकी UR के लिए 1 पोस्ट रहेगी, ठीक है, टोटल इसकी 1 पोस्ट है। सेकेंड आपके स्टूडेंट काउंसलर के लिए ये आपकी टोटल रहेगी 2 पोस्ट, वो भी है OBC कैटेगरी के लिए। थर्ड आपकी कैरियर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए टोटल आपकी 1 पोस्ट रहेगी, ठीक है जी। इन तीनों पोस्ट के लिए आपका लेवल रहेगा 10, जिसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट, नेक्स्ट पोस्ट आपका कैटरिंग मैनेजर की, ठीक है, इसमें आपके टोटल 1 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट मीडिया रिलेशंस के लिए आपकी टोटल 1 पोस्ट है, वो है आपकी अनरिजर्व के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट, ये आप देख सकते हो हॉस्पिटलिटी के लिए टोटल 1 पोस्ट है UR के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपकी जूनियर सुपरिटेंडेंट स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए OBC के लिए 1 पोस्ट। नेक्स्ट है आपकी जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, ठीक है जी, इसमें आपकी OBC की 1 पोस्ट है और UR की 1 पोस्ट है, यहाँ पर इसमें टोटल 2 पोस्ट है। नेक्स्ट है आपकी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की, जिसमें आपकी SC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, 1 OBC के लिए है और 2 पोस्ट है आपकी UR के लिए, यानी कि इसमें आपकी टोटल 4 पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग, ठीक है जी, इसमें आपकी टोटल 1 पोस्ट है। इन सभी पोस्ट का यानी कि 4 से लेके 10 तक पोस्ट के लिए आपका लेवल रहेगा 6, जिसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 35,400 से 1,12,400 रुपये, ठीक है जी। आप इसका साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको आप भी पोस्ट के बारे में पता लग सके और वैकेंसी कितनी रही कैटेगरी वाइज और क्या आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट आपकी 11 नंबर पे जूनियर टेक्नीशियन की, जिसमें आपकी 1 पोस्ट रहेगी, 1 1 यानी कि 1 SC के लिए, 1 OBC के लिए, 1 UR के लिए, यानी कि इसमें टोटल 3 पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट आपकी जूनियर असिस्टेंट 1 SC कैटेगरी के लिए, 1 है आपकी UR के लिए, इसमें आपकी टोटल 2 पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट आपकी ड्राइवर Grade 2 के लिए, जिसमें आपकी ये देख सकते हो आप OBC UR के लिए टोटल 1 1 1 वैकेंसी रहेगी, ठीक है जी। इस इन तीनों 11 से लेके 13 तक आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी 21,700 से 69,100 रुपये, ठीक है जी। इसमें आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी होगी आपकी 21, 21, यानी कि IIT कानपुर ने 21 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली है। अब बात करते हैं इसमें आपका एज लिमिट क्या दे रखी है, जैसे देख सकते हो आप A Serial Number 1 से लेके 3 तक, ठीक है, जिसमें आपकी एज लिमिट है 21 से 45 साल है। B के लिए 4 से जो 10 तक है पोस्ट नेम है वो 21 से 35 साल है, और Serial Number 3 है जो कि 11 से 13 तक, उनकी 21 से 30 साल है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज अपना एज रिलैक्सेशन भी दिया होता है। तो अब बात करते हैं मैं एक्सपीरियंस की, क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की। फर्स्ट देख सकते हो आप, फर्स्ट आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए इनिशियल क्वालिफिकेशन रहेगी मास्टर डिग्री विद 55% मार्क के साथ में, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जॉब रोल आप देख सकते हो इसमें पूरी डिटेल से। नेक्स्ट रहेगा आपका
पोस्ट स्टूडेंट काउंसलर, जिसकी आपकी OBC की 2 पोस्ट थी, ठीक है जी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी MPhil क्लिनिक साइकोलॉजी, ठीक है जी, फर्स्ट क्लास से। थर्ड आपकी कैरियर डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसमें आप UR की 1 पोस्ट हैं। इसमें आप देखते हो मास्टर डिग्री 55% मार्क के साथ में, और आपको 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट पोस्ट आपकी कैटरिंग मैनेजर की 1 पोस्ट है। इसमें आपके बैचलर डिग्री मांग रखी है होटल मैनेजमेंट से, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट मीडिया रिलेशन, जिसमें आपके मास्टर डिग्री मांग रखी है, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। नेक्स्ट पोस्ट आपकी जूनियर सुपरिटेंडेंट लेजिन और हॉस्पिटलिटी के लिए, मास्टर डिग्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है। नेक्स्ट पोस्ट आपके जूनियर सुपरिटेंडेंट स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफिसर्स के, टोटल 1 पोस्ट थी, जिसमें आपका मास्टर डिग्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है। नेक्स्ट पोस्ट आपकी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, जिसमें आपके MSc फिजिक्स से मांग रखी है, BTech मांग रखी है, या फिर आपकी BE मैकेनिकल इंजीनियर से हो, और आप दे सकते हो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की, जिसमें आपकी 1 SC की, 1 OBC की और 2 UR की पोस्ट थी जिसमें, और ये आप देख सकते हो इसमें बैचलर डिग्री मांग रखी है फिजिकल एजुकेशन से, और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट आपकी जूनियर इंजीनियरिंग की, ठीक है, जिसमें आपके बैचलर डिग्री मांग रखी है और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। जो नेक्स्ट पोस्ट आपकी जूनियर टेक्नीशियन की, ठीक है जी, इसमें आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांग रखी है और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट की, 1 SC की, 1 UR की थी, इसमें बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर के नॉलेज होनी चाहिए, 50% मार्क के साथ में BA, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके ड्राइवर के लिए, जिसमें आपके +2 मांग रखी है, और आपका इसमें है ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा है, ठीक है जी, लाइट और हैवी दोनों बहुत मांग रखी है, आप इसमें चेक कर सकते हैं, और आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसके लिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है जी। ये देखा आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और लास्ट डेट रहेगी आपकी 12 जुलाई लास्ट डेट रहेगी, और ऑफिशियल वेबसाइट ये देख सकते हो, इस पे जाके आपको इस लिंक पे, और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो, www.iitk.ac.in पे जाओगे तो अपने आप ये लिंक पे मिल जाएगा भी आपको कैसे अप्लाई करना है, और आप एप्लीकेशन का लिंक दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की, ठीक है जी। ये देख सकते हो आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए 1 से लेकर 3 नंबर तक क्या 500 रुपये फ़ीस रहेगी, और बी से सी तक जो कि है 4 से 13 कैटेगरी तक, ये आपकी 250 रुपये फ़ीस रहेगी, ठीक है जी। इसमें आप देखते हो फीस वंस पेड नॉट बी रिफंडेबल, और ना ही तो आपकी एडजस्ट होगी, ना ही आपको वापस दी जाएगी। और SC ST फिजिकल हैंडीकैप एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, ये सिर्फ आपकी रहेगी अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के लिए फीस दी गई है, ठीक है जी। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था, आप इसको आराम से PDF फॉर्म को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है जी। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था, ये देख सकते हो 11 जून 2020 का है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।